अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन पुलाव की रेसिपी तैयार करना सिखाऊंगी। उसके लिए मैं यहाँ पे 1 किलो चावल यूज़ कर रही हूँ। ये तकरीबन 3 प्याली चावल हैं, 1 किलो ही चिकन इसमें मैंने ऐड किया है। इसके लिए जो मुझे मसाले चाहिए उसमें फुल टेबल स्पून गर्म मसाला, फुल टेबल स्पून नमक एंड फुल टी स्पून सुरख मिर्च, फुल टेबल स्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 2 बड़े साइज़ के टमाटर, तकरीबन 11 से 12 हरी मिर्च और 1 छोटे साइज़ की प्याज। इसमें 3 प्याली चावल थी, उसके लिए मुझे 5 प्याली पानी की ज़रूरत होगी। 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किए हैं। इसके अंदर मैं ये प्याज डाल लूँगी और इसे अच्छे से पहले मैं फ्राई कर लूँगी। प्याज फ्राई होना शुरू हो गई है। जब तक प्याज फ्राई होती है तब तक इसे हल्की आँच पे पका लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देंगे। प्याज फ्राई हो गई है, अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। 1 मिनट के लिए मैंने इसे भूना, अब ये फ्राई हो गया है। मैं इसके अंदर बाकी मसाले ऐड कर दूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट, ग्रीन चिली, टमाटर, मसाले सारे और इसे अच्छे से भून लूँगी। दरमियानी आँच पे मैं इसे अच्छी तरह भून रही हूँ और जब ये अच्छे से भून जाएगा फिर मैं इसके अंदर बाकी पानी ऐड कर दूँगी। ये अच्छे से भून लिया मैंने, अब मैं इसके अंदर 3 प्याली चावल की थी और मैं इसके अंदर 5 प्याली पानी ऐड कर दूँगी। आप इसका नमक भी टेस्ट कर लें। चिकन मैंने भून लिया था अच्छी से, 3 प्याली चावलों की थी, इसके अंदर मैंने 5 प्याली पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसका नमक टेस्ट कर लूँगी। इसके अंदर नमक कम हो, इसके अंदर और नमक ऐड कर लूँगी मैं। 5 मिनट में इसका पानी पकना शुरू हो गया है। तकरीबन 15 मिनट मैंने चावल भी हुए थे, अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से पका लूँगी। ये पक्के तैयार हो गए हैं, अब मैं इसे दम पे रख दूँगी। ढक्कन पे रुमाल लगा के तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। 25 मिनट के बाद मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है और चिकन पुलाव बन के तैयार हो गई है। चिकन पुलाव की रेसिपी बनके तैयार है। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।